अगला टॉपिक है महाकाव्य इतिहास परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजय और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? जो दोनों महाकाव्य है रामायण और महाभारत, तो इसको सही रूप मिलने में क्या हुआ होगा? बहुत अधिक टाइम लगा होगा, सदियां लग गई होंगी। और बाद में भी इसमें क्या है, कुछ अंश ऐड किए गए होंगे, कुछ अंश जोड़े गए होंगे। तो जो ये दोनों महाकाव्य है उसमें क्या बताया गया है? जो आर्य लोग थे, जब वो आए थे, उसके आरंभ के जो समय है उसके बारे में बताया गया है, उनकी विजयों के बारे में बताया गया है, उनकी जीत के बारे में बताया गया है, और उस समय जो गृह युद्ध हुए थे उसके बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि जो आर्य लोगों ने कैसे अपना विस्तार किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि बहुत से काव्य लिखे गए, बहुत से ग्रंथ लिखे गए, लेकिन जो ये दोनों महाकाव्य थे रामायण और महाभारत, उसका जो प्रभाव है जनता के मन पर बहुत अधिक है। बहुत व्यापक रूप में इस दोनों महाकाव्यों ने अपना प्रभाव डाला है जनता के मन पर। तो बहुत सी रचनाएं रची गई, तो जितना जीवंत प्रभाव इसका दिखाई देता है इन दोनों महाकाव्यों का भारतीय जो जीवन है उसके ऊपर, उतना किसी का नहीं दिखाई देता। तो ये दोनों ग्रंथ हैं वो भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं, और जो ये दोनों ग्रंथ हैं इसको जनता बहुत अधिक पसंद करती है, चाहती है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ को समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनमें मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ये दोनों महाकाव्य थे उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे कि जो उच्चतम बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए भी, और जो साधारण अनपढ़ लोग हैं उनके लिए, और जो गाँव के बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं, इन सबके लिए कुछ ना कुछ हमें इन महाकाव्यों में मिल जाता है। तो इन महाकाव्यों को पढ़ने के बाद हम उस रहस्य को जान जाते हैं कि जो हमारा समाज था बहुत पहले इतने अधिक जात पात और ऊंच नीच में बटा हुआ था और सबका अलग अलग काम बांटा गया था और इतने अधिक मतभेद थे, वो कैसे सुलझाते थे उनको और कैसे उनमें एकता थी। इन सारे रहस्यों को हम इन महाकाव्यों में समझ सकते हैं। इस महाकाव्य में हमें सारे रहस्य पता चल जाएंगे कि इन लोगों में कैसे एकता थी, इतना अधिक ये लोग विभाजित थे फिर भी। तो इन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। तो इन लोगों ने एक ऐसा नजरिया पैदा किया था, एक ऐसी भावना पैदा की थी लोगों में जिससे कि सभी लोगों में एक एकता की भावना थी, और क्या था वो, अच्छे से एक दूसरे के साथ सभी लोग रहते थे और किसी में भी मनमुटाव नहीं था, और ये जो भेदभाव था वो किसी में ऐसा दिखाई नहीं देता था इतनी अधिक मतभेद होने के बावजूद भी। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। तो जो हमारी प्राचीन कथाएं हैं वो महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। तो उनका जो इतिहास है वैदिक काल तक जाता है, केवल महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, और वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कवि और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। तो जितने भी कवि हुए और नाटककार हुए उन्होंने क्या किया, जो प्राचीन जो कथाएं थी उनको पढ़ने के बाद अपनी रचनाएं की है, अपनी सुंदर कल्पनाएं की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक है। तो जितनी भी प्राचीन गाथाएं हैं, कथाएं हैं, वो कैसी हैं और कहानियां हैं, वो वीर गाथात्मक हैं, वीरता के ऊपर लिखी गई कहानियां हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है।
चाहे परिणाम कुछ भी हो, तो उसमें बताया गया है कि हमें हमेशा सत्य पर अड़े रहना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, और जो भी वचन हमने, कोई भी वचन दिया है किसी का, किसी को उसका उसको पूरा करना चाहिए। तो हमें वचन के पालन का उपदेश दिया गया है और सत्य पर अड़े रहने की शिक्षा दी गई है प्राचीन कथाओं में। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोक हित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। तो उसमें प्राचीन जो कथाएं, उसमें क्या बताया गया है, हमें जीवन भर और मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भी वफादारी साहस की जो बातें हैं वो होनी चाहिए हमारे अंदर, और जो लोक हित के लिए हमें क्या करना चाहिए, बलिदान की बलिदान भी करना चाहिए, हमेशा सदाचारी रहना चाहिए। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, तो ये जो कहानियां हैं कभी कभी क्या होता है पूर्णतः कल्पना पर आधारित होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसमें तथ्य भी होता है, अगर कोई सत्यता भी होती है, तो कल्पना को और सत्यता को इस प्रकार मिला दिया जाता है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। तो फिर क्या होता है, कल्पना और सत्यता को इतना अधिक मिला दिया जाता है, तो ये जो इतिहास है हमारा पूरी तरह से कैसा लगता है, काल्पनिक हो, जो हमें ये भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। तो जो हमारा पुराना इतिहास है वो पूरी तरह से पता नहीं चलता कि जो घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन हम उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये घटनाएं घटित हुई होंगी, ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी। तो जो ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक हो, लेकिन जो भी होती थी, चाहे कल्पना पे आधारित होती थी या वास्तविक होती थी, लेकिन जीवन में जो इनकी स्थिति होती थी वो जीवंत तत्वों की हो जाती थी, कि हमें लगता था कि ये घटनाएं वास्तविक है, वास्तव में घटित हुई है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की रास्ता कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनके जीवन में एक रास्ता आ गई है, कुरूपता आ गई है, उसको ये जो घटनाएं हैं, जो ये कथाएं हैं, वो उसको उस जिंदगी से निकाल के ऊंचे स्तर तक ले जाती हैं। यूनानियों, चीनियों, अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। तो प्राचीन काल में जैसे यूनानियों, चीनियों, अरब वासियों के पास इतिहासकार थे, वैसे हमारे पास इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। तो इन देशों में जो थे इतिहासकार थे, जिससे क्या पता चलता था कि कौन सी चीज कब घटित हुई, कौन सी घटना कब घटित हुई, उनको अच्छे से पता था। लेकिन हमारे पास इतिहासकार नहीं थे, तो किसी भी जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, कौन सी घटना कौन सी तारीख को घटित हुई, कौन से टाइम में घटित हुई, हमें उसका ठीक से पता नहीं है। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं बहुत धीमी गति से। आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। तो जो भी घटनाएं हैं पहले जमाने की, क्या होता है, वो आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती है, क्योंकि हमें उनका सही कालक्रम नहीं पता, कौन सी घटना कब घटित हुई थी, हमें ठीक से टाइम नहीं पता है। तो जो आजकल के जो विद्वान हैं बहुत धीमी गति से, बहुत पेशेंस के साथ, जो भारत के इतिहास की भूल भुलैया है, जो भारत का इतिहास है, वो जो उसके जो तथ्य हैं, उसके जो सूत्र हैं, उनकी खोज कर रहे हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, कैसे घटित हुई थी। कल्लड़ की राज तरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। तो जो कल्लड़ थे उनकी जो राज तरंगिणी है, एकमात्र ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसे हम इतिहास मान सकते हैं। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी इसमें कहानी है, पूरा सब कुछ बताया गया है कि इसमें कश्मीर का जो इतिहास है वो क्या था। और जो ये कल्लड़ की राज तरंगिणी है, वही एकमात्र ऐसा इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये ऐसा इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में हुई थी। बाकी क्या है, जो इतिहास है उसका हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। तो जो दूसरा इतिहास है उसको हम, जो बाकी के और जगह का इतिहास है उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे हमें जो सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, या जो कलाकृतियां मिली हैं और जो साहित्य मिला है, संस्कृत साहित्य, उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि वहाँ का इतिहास क्या रहा होगा। तो इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के, और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। तो हमें पता चलता है कि जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे,
खास तौर पर जो यूनान से आए थे, चीन से आए थे, उनसे पता चल जाता है कि हमारे देश का इतिहास क्या रहा होगा। और हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं इन विदेशी यात्रियों के, जो उन्होंने यहाँ पर सफर किया था, यहाँ पर आए थे, और बाद में जो अरबी लोग थे, अरब से आए थे, उनके बारे में उनसे भी पता चल जाता है कि यहाँ का इतिहास क्या रहा होगा। हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम ठीक प्रकार से नहीं बता सकते कि कौन सी घटना कब घटित हुई होगी। खाली हम कल्पना कर सकते हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। तो जो इतिहास का जनता को ज्ञान नहीं था ठीक प्रकार से कि हाँ कौन सी चीज कब घटित हुई थी, कौन सी घटना कब घटित हुई थी, इसका जनता पर ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। क्योंकि जो ये जनता थी उसने क्या किया, पहले जमाने की जो कहानियां थी और जो पौराणिक गाथाएं थी, लोगों ने जो कहीं जो कुछ कहा था और जो चीजें विरासत में उनको मिली थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, तो उससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि हाँ हमारे अतीत में क्या रहा होगा, हमारा अतीत कैसा होगा। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। तो जो ये काल्पनिक इतिहास था जिसकी कल्पना की गई थी कि हमारा इतिहास कैसा रहा होगा, और जो तथ्य थे और जो लोगों ने कथाएं कही थी, जो लोगों ने जो कुछ कहा था, उसका जो मिश्रित रूप था उसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। इससे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। तो इससे क्या हुआ, जनता को एक मजबूत और हमेशा टिकने वाली सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। हालांकि इसमें कल्पना ही थी, लेकिन इतना अधिक प्रचार प्रसार हुआ था तो उनको लगा कि हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, हमारी जो संस्कृति है, वो ऐसी ही होगी। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। लेकिन जो इतिहास की उपेक्षा हुई, हमें ठीक प्रकार से नहीं पता था कौन सी घटना कब घटित हुई थी, उससे क्या हुआ, हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हो गया। हम समझ नहीं पाए कि हमारा वास्तव में क्या इतिहास होगा। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ, तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे जो तथ्य थे, हमें पता नहीं था कौन सी घटना कब घटित हुई होगी, तो इससे हमारे दिमाग में एक उलझन भी पैदा हुई कि पता नहीं हमारा इतिहास क्या होगा। लेकिन एक तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ जो लोगों ने विश्वास कर लिया, जो सहज विश्वास की प्रवृत्ति थी वो पैदा हो गई, कि क्योंकि जो भी चीजें थी वो इतने लंबे समय से चली आ रही थी, तो हमने सहज ही विश्वास कर लिया कि हमारा इतिहास यही होगा, यही हमारे इतिहास, हमारी जो घटनाएं घटित हुई हैं वो ऐसी ही घटनाएं घटित हुई होंगी प्राचीन जमाने में।